बेटा तो लास्ट हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट टेस्ट कैसा लगा तुम लोगों का? जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट दिया बेटा तुम लोगों ने? सर दिया था सर। यस सर, दिया था। यस श्योर। ओके, तो इसमें कोई डाउट है तो मैंने ओपन किया है। सर 5 क्वेश्चन गलत गए हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे अभी कौन सा आंसर नहीं क्वेश्चन? मिले। सर मेरे भी 5 गलत गए हैं, पता नहीं कैसे। कौन सा बेटा क्वेश्चन बता दो। ऐसे पता नहीं है, 2 मिनट दो तो मैं नोट कर ले सर, पहले एक थर्टी नंबर। थ्री है, एक थर्टी क्वेश्चन नंबर थ्री ट्वेंटी थर्टी थ्री थर्टी थ्री ओके लेट्स सी। ये 60 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 1100 ग्राम सॉल्यूशन टू कीप डेल्टा टी डेल्टा एच 1 मोल पर किलोग्राम वाटर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आइस एज 40 ग्राम। ये वाला यस सर। सर मैंने किया ही नहीं था, ये हुआ नहीं था उस टाइम। इसका आंसर ए पार्ट है। सर कैसे होगा सर, एक बार बता दीजिए। सर ये वाला बता दो। हाँ और यस किसी सर, को डाउट बता है? दो। एक तो क्वेश्चन मैं ये देख रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है? सर एक यस बार सर। देखने पड़ेंगे सर। है सर सर, थर्टी एक फाइव मिनट है, में क्वेश्चन नंबर नोट करके आ रहा हूँ एक 35 है, सर, वेट करना। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में थर्टी खत्म फाइव थर्टी करना। फाइव पहले 33 और फिर उसके बाद 35 है ना? ठीक है, मैं यस थर्टी सर। थ्री देख लेता हूँ पहले। थर्टी थ्री देख लेते हैं बेटा। एक मिनट, तो 33 में दिया गया 60 ग्राम ऑफ यूरिया, तो जो यूरिया बेटा, यूरिया का मास दिया गया है, यूरिया इज इन 60 ग्राम। यूरिया दिया गया है 60 ग्राम। ठीक है, यूरिया का मोलर मास कितना था बेटा? मोलर मास में यूरिया का 60 होता है, तो 60 डिवाइड बाय 60 60 को नंबर ऑफ मोल्स बना गया। ठीक है, इसके बाद दिया गया है यूरिया डिजॉल्व्ड इन 1100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो 1100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ये है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ 1100 है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें निकालना है। वाटर सेपरेटेड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ से कितना आइस बना है ना? जितना आइस निकल जाएगा उतना ही तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट होगा बेटा, है ना? तो मास ऑफ आइस सेपरेट तुम पहले लिख लो, मास ऑफ आइस सेपरेटेड। ओके ठीक है, इससे पहले हम लोग एक समझ लेते हैं, यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज डब्ल्यू ग्राम। ठीक है, मास सर ऑफ, एक बार, सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार यूरिया का फॉर्मूला बताना। यूरिया बेटा NH2 CO सीओ NH2 NH2, सर ये इसका सिक्सटी यूरिया। आएगा तो सिस्ट में यार बेटा, दो नाइट्रोजन है तो 20 हो जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, कार्बन एक है बेटा, एक कार्बन हो जाएगा 12, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन के कितना होगा बेटा ओके 16। सर, ओके ठीक है, ओके ओके हाइड्रोजन 4 होगा यहाँ पर, तो ऐड करो 60 आ जाएगा। यस सर, ठीक है, गलती हो गई मेरी थोड़ी सी, तो इनका 62 ले लिया था, गलती से। यहाँ पर अज्यूम करेंगे है ना, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्राम। ठीक है, तो डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट है ये तुम्हें मालूम है, यहाँ तुमने अज्यूम कर लिया। तो जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आप, डेल्टा टी बाई एफ इज इक्वल टू दिया गया है एज 1 मोल पर किलोग्राम में दिया गया है ना, क्योंकि डेल्टा टी डिवाइड बाई के एफ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये तो डेल्टा टी डिवाइड बाई के एफ इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। सो 1 इज इक्वल टू मोलरिटी, तुमने कितना लिया है 1 डिवाइड बाई डब्ल्यू, तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना जा रहा है बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 किलोग्राम आ जा रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम। ठीक बेटा, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट आ गया तुम्हारा। तो अब जो ओरिजिनल सोल्यूशन था, जो यस ओरिजिनल सर आ सोल्यूशन था गया बेटा, है ना, ओरिजिनल सोल्यूशन था तुम्हारा 1100 ग्राम, तो इसमें से कितना आइस सेपरेट हुआ बेटा? तो आइस यहाँ पे जो सेपरेट हुआ है वो तुमने मान लिया डब्ल्यू ग्राम है, सॉरी डब्ल्यू ग्राम, हाँ
आइस जो सेपरेट हो उसको निकालना तुमने, ठीक है। और जो सल्यूट है, सल्यूट दिया गया 60 ग्राम, माइनस 60 कर दोगे तो ये तुम्हारा जो सोल्यूशन हो जाएगा 1040 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ आइस अब आ जाएगा, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 1040। आ गया सर, आ गया। हाँ तो आ जाएगा 1040 माइनस 1000 इज इक्वल टू 40 ग्राम, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है सर। 29 सर। 35 है सर। 29 सर। हाँ बेटा बोलो सर, इसमें 1000 माइनस क्यों किया बेटा? यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था 33 क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखो बेटा जो तुम्हारा सलूशन दिया गया था इसमें सॉल्वेंट कितना था, देखो 1100 ग्राम माइनस यूरिया कर दोगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1040, है ना। 1040 तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ टोटल सॉल्वेंट, हां टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यस सर, मैंने सॉल्यूशन का ले लिया था। तो ये तुम्हारा टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट प्लस आइस, ये होगा बेटा, है ना। तो अब यहाँ पर जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो तुमने आ रहा, तुम्हारा आ गया 1000 ग्राम, ये तुमने निकाला ना अभी को, देखो W इक्वल टू 1 किलोग्राम, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो होगा ना बेटा, 1 किलोग्राम मींस 1000 ग्राम सर, और टोटल मास तो अब इसको इसमें रख दो, यहां पर 1040 इज इक्वल टू 1040 इज इक्वल टू 1000 प्लस, है ना, मास ऑफ आइस, तो आ जाएगा यहां पर आइस का मास, ठीक है। यस सर। तो 29 का आते हैं, 29 सर। 29 है। सर इसका मेरा C आ रहा था। आंसर डी दिया है यहाँ पर। डी आ रहा था। सर एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ओके तो बेहतर कैसा? सर डी आ रहा था, सर डी आ रहा था। हाँ डी आएगा बेटा, है ना? सर फिर मैं दोबारा कर लूंगा, उस टाइम क्वेश्चन नहीं था ना हमारे पास, दोबारा नहीं मिला पेपर के बाद, तो अभी दोबारा कर लूंगा फिर। 31 का एक पार्ट है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 17.3 आएगा सर। अरे ये भी मेरा बी आ रहा है, चलो इसको भी दोबारा कर लूंगा सर। 34 ठीक है सर, क्वेश्चन नहीं मिले ना दोबारा, अब स्क्रीनशॉट ले रहा हूं फिर कर लूंगा। 34 सर, इसमें बताना एक बार ए बी कैसे हो रहा सही। ओके तो यहां देखो बेटा, द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड ओबेइंग राउल्स लॉ द करेक्ट बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है। तो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब यहां पर ए बी देखो, यहां पर तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर टिक करना है, ठीक है। सर इसमें इमेज नहीं थी सर, मेरे पेपर के टाइम पे इसमें एक ग्राफ था। सर मेरे में भी नहीं थी, मेरे में भी नहीं थी सर, बहुत बच्चों में हुआ है ये सर। एक बार फिर भी समझा दो, मैं पेपर देख लेता हूं जो एक्चुअल पेपर तुमको मिला होगा सर। कई बच्चों पे आई थी, कईयों पे नहीं आई, ये तो है। तो ये तो पेपर सर नहीं, हमारे टाइम पर थी नहीं इमेज, पीसी और फोन की वजह से हुई होगी। हाँ सर फोन सर पीसी में आ रहा था, फोन में नहीं आ रहा था सर। हमने मैडम से बाद में बात की, उन्होंने बाद में डलवाई दोबारा जब हमारा पेपर हो गया था। मेरा बात कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, मोबाइल भी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मैं बात कर लेना तुम, ठीक है मैडम। वो सर कर लिया सर, आप समझा दो एक बार बस, कर लिया वो तो। अगर देखो बेटा यहाँ पर मेरे यहाँ दिया गया है, तो ए बी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट ए। तो अब यहाँ पर ग्राफ ए बी बारे में, ए और बी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये ए बी तुम्हारा है, मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है देखो, इसमें दिया गया है ए बी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्रेजेंस ऑफ ए, ठीक है। तो ए बी ये वो तुम्हारा ये वाला जो लाइन है ये ए बी हो जाएगा, है ना। तो ए बी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो AP है, ये वाला जो लाइन किसके लिए दिया गया है, यहाँ पर अगर B का वेपर प्रेशर यहाँ पे ये तो क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर होता है। तो अगर तुम इसकी बात करोगे तो यहाँ पर B का वेपर प्रेशर क्या है, जीरो है। जैसे तुम आगे पढ़ोगे वैसे वैसे B का जो कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, B का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक बेटा। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है कि जो मोलरिटी या सॉल्यूशन का सेम होना चाहिए, जो आइसोटोनिक का कंडीशन है आइसोटोनिक ना कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर से तुमने ले लिया यूरिया, तो यूरिया कितना दिया गया है 6%, मतलब जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम सॉल्यूशन तुमने लिया है, ठीक है। यस सर। 100 ग्राम में यूरिया कितना बेटा 6 ग्राम, ठीक है। तो मोल्स निकालोगे, निकल गए सर 0.1, तो आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा, मास डेंसिटी गिवन इन है, हां मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम दिया गया है, डेंसिटी वाटर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। तो अगर नहीं दिया गया, अब आगे से याद रखना, अगर मालूम नहीं दिया था कहीं पर, ठीक है, तो अब जो सोल्यूशन है सोल्यूशन को हम लोग इक्विवेलेंट मानेंगे वाटर के, वाटर जो डेंसिटी है 1 होता है, तो 1 यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 100 ml, अब हो जाएगा Yes, सर, लेकिन 0.1 आ रहा था, 0.1 आ रहा था इसका आंसर, नहीं 0.1 आ रहा, दे तो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया 0.1 मोल आ गया, वॉल्यूम हो गया 100 ml, तो मोलरिटी कितना होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल डिवाइड बाय 100 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10^-3, ठीक है। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन आ रहा है बेटा यहां पर। ओके सर, मेरे नंबर ऑफ मोल्स आए थे 0.1, हां तो 0.1 मोल आ गया। यहां पर वॉल्यूम तो देखोगे, जो वॉल्यूम है ना, अभी तो होगा सर, एक डाउट है इसी में, पूछो सर। हां सर, एक डाउट है इसी में, पूछो बेटा। सर हमें सॉल्यूशन जैसे यूरिया और ग्लूकोज और यूरिया का सॉल्यूशन दे रखा है अलग-अलग, तो सर सिर्फ मोलैरिटी निकालेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, मतलब इनके मॉलिक्यूलर मास वगैरह से कोई रिलेशन नहीं बनेगा, वो सब मोलैरिटी में आ जाएगा। यहां पर मोलैरिटी दिया गया है बेटा, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी दिया गया 0.1। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, यस यस सेम होती है कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन सेम होता है ना, तो C1 = C2 होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। yes, तो यहां पर तुम मोलरिटी से ही काम चल जाएगा, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर दिया गया है। अगर अगर मल्टीपल चॉइस होता, हां अब देखो, अब यहां पर सुन लो, थोड़ा सा पूरा सुन लो ना, तो अब यहां देखो 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये दिया गया, ये तो नहीं होगा, तो मोलरिटी यहां पर दिया गया, ए में दिया गया और डी में दिया गया, ठीक है। बी में जाते हैं 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अगर मल्टी चॉइस होता तो अब यहां पर जो 6% और 25% जो परसेंट सॉल्यूशन है ना, इसको भी तुम्हें मोलरिटी में कन्वर्ट करके चेक करना होगा, तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कहां पर होगा बेटा, आई की वैल्यू देखोगे, हां आई का वैल्यू देखोगे, आई का वैल्यू कहां ज्यादा होगा, जहां नंबर ऑफ पार्ट ए में ज्यादा होगा, 1 में सर, डी में क्यों नहीं हो रहा, डी बेटा ये ग्लूकोज शुगर है ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 1 होगा, वो डिसोसिएट नहीं होता, हां जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जनरली डिसोसिएट नहीं होता है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज मैंने लिखा था ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आएगा,
सर जैसे CO2 H2O में जब ये बदलता है तो फिर क्या, जब CO2 H2O बदलता है कैसे बदलेगा तुम बताओ, रिएक्शन क्या होता है CO2 और H2O बदलने में, जो C6H12O6 है ना, तो इसको तुम कैसे एक्सपोज करते बेटा, यहाँ पर तुमने कुछ डालते हो, यहाँ पर है ना H+ डालते हो, कंसिडर H+, यस सर, ठीक है, तो इसको हाइड्रोलाइज करते, इतना आसान नहीं होता है ये हाइड्रोलाइज होना, इसी क्वेश्चन में जो ग्लूकोज वाला था इसमें सर ग्लूकोज का आई तो हमारा 1 है, ग्लूकोज का आई 1 है बिल्कुल, तो सर बाकी सबका आई तो उससे ज्यादा ही होगा ना, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन तो Al2SO4 3 में होना चाहिए, उसी में तो है सही, हाँ, तो वही तो आंसर बेटा, आंसर तो वही है Al2SO4 3 से है, हाँ बेटा इसको सुन देखो, ये तो हो गया था, ठीक है, ये 37 किसी ने पूछा था, 37 है ना ये, यस सर ये 37 है, एंड एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट, अगर लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन होगा, नहीं बेटा जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया था उसको देख लेना, बहुत क्लियर मैंने पढ़ाया था ना क्लास में, ठीक है बात देख लेना तुम क्या प्रॉब्लम है, ठीक है सर 43 है मेरा तो किसी का बीच में कोई सर 38 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, ठीक है मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, नहीं हो रहा बेटा ये, हो गया था सर ऐसे पता नहीं नेगेटिव मार्किंग में गया है 0.2 upon 0.8, हां तो वही है, वही है, हां तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब जो P0 वो दिया गया है ये है ना, यस सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो P0 = 0.88 ठीक है, when non-volatile substance B is added to this solvent, the vapor pressure drops to 0.6 atm, ठीक है, तो जो P होगा, PS कितना होगा बेटा, 0.8 atm से, है ना, कितना हो गया, drops to 0.6, तो ये drop होगा, जितना होगा 0.6 हो गया, तो PS कितना हो जाएगा बेटा, PS is equal to 0.6, ठीक है, तो formula क्या होता है, P0 minus PS divide by P0, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है याद रखना, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू x2 में कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 2 divide by 8 means 1/4, so 1/4 is equal to x2 है ना, तो कितना आ रहा 0.25 आ रहा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यस सर, यस सर, 39 कर लेते हैं, 39 सर, इसकी कब तक मिल जाएंगे क्या बेटा, इसकी आंसर की कब तक मिल जाएगी हमें, आंसर तो मिल गया तुमको, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को आंसर की, देख लो है ना सर, हमारे पे नहीं आई, हमारे पे नहीं आई आंसर की, ये नीचे लिखा हुआ आंसर है, देखो लिखा हुआ है ये आंसर है ना, यहां पे दिख रहा है सर, हमारे पास नहीं आई लेकिन ऐसी, अरे तो सर के में देख ले भाई, अच्छा वो तो देख लिया, मैं पूरा दिखा दूंगा, ठीक है मैं केमिस्ट्री का दिखा दूंगा पूरा, तुम देख लेना, ओके इधर देखो, द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सेम गैस at 293 Kelvin is given below, arrange the gases in increasing order of their stability. हो गया तो. तो inversely proportional होता है ना? सर मैंने decreasing में कर दिया था.
सभी गलत हो गया मेरा सर। एक एक और 30 30 सर 30 क्वेश्चन नंबर 30 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम मतलब ये मोलरिटी दिया गया है 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। अब यहां आप देखो बेटा जो स्टेटमेंट दिया गया है मोलरिटी जो फर्स्ट सॉल्यूशन है एक्स का वो दिया गया है मोलरिटी है ना एक्स का मोरलिटी कितना दिया गया 0.2 ठीक है इट्स ग्रेटर देन ये बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इट्स ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई ठीक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई ये दिया गया बेटा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई तो जो y है y का भी जो मोलरिटी बेटा y का मोलरिटी कितना दिया गया है 0.2 इक्विमोलर मतलब क्या हुआ दोनों का कंसंट्रेशन सेम है लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है x का बॉइलिंग पॉइंट y से ज्यादा है ना इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है x में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम कंसंट्रेशन पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स x में ज्यादा है तो x का पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कैसे होगा बेटा जब जो x बेटा जो x है वो डिसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में x जैसा तभी होगा बेटा जब डिसोसिएशन हो जाए है ना x का डिसोसिएशन हो जाए या फिर जो y है y का एसोसिएशन हो जाए ठीक है दो केस यहां हो सकता है या तो y कंबाइंड होकर कम हो जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स y का या फिर x डिसोसिएट होकर इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाए आप यहाँ पर x को देखें कहाँ डिसोसिएट है और y कहाँ पर एसोसिएट है यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर करेक्ट है ठीक है y का एसोसिएशन कहीं दिया नहीं है तो y वाली वाला ऑप्शन कहीं है नहीं अगर मल्टी चॉइस होता तो यहाँ पर ये भी दे देता ओके सर तो आगे सर 40 सही है आपने एसोसिएशन डिसोसिएशन i की वैल्यू के अकॉर्डिंग बताया है हां बिल्कुल बेटा आई तो देखना पड़ेगा ना यहाँ पर रीजन क्या है वहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन वर्ड दिया गया यूज किया गया है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एसोसिएट या डिसोसिएट और आई देखना पड़ेगा है ना यस सर सो उसमें एक मॉलिक्यूलर मास का भी था उसको कैसे देख सकते हैं तो सर कैसे बोलना बेटा मिस कर गया कौन सा क्वेश्चन था सर 40 30 सर सर 30 तो इसको ऑप्शन में रखना ही नहीं चाहिए तो पहले तुमने दोनों डिस्कार्ड कर दिया होगा अब ऑप्शन बचा सी ओ डी तुम्हें चेक करना है कहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 वैल्यू ऑफ के एच तो नहीं आ रहा बेटा हेनरीज लॉ कांस्टेंट से नहीं सर लगाया तो था सर वही फॉर्मूला जो आपने लिखवाया था तो यहाँ पर जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है यहाँ पर क्या होता है बेटा है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ एचसीएस इन वाटर एट एचटीपी एचटीपी मतलब जो प्रेशर है प्रेशर कितना होना चाहिए प्रेशर पी एचटीपी प्रेशर कितना होता है अत्याल तुम बताओ 1 atm सर है ना सर 1 atm प्रेशर 1 atm हो गया ठीक है और हेनरीज लॉ फार्मूला कौन बताएगा सर p इज इक्वल टू kh in dot p c equal to kh into c concentration ठीक है तो अब यहाँ पर यूनिट देखो बेटा बार 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 में दिया गया है तो अगर यहाँ पर सब यूनिट बार में दिया गया तो kh का वैल्यू किसमें अगर kh बार में दिया गया तो जो कंसंट्रेशन है वो किसमें रहना चाहिए बेटा मोल फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है बेटा क्यों यस सर अगर अच्छा समझ गया अगर प्रेशर बार में दिया गया है ठीक है और के एच भी बार में दिया है तो सी डायमेंशनलेस होना चाहिए सी डायमेंशनलेस कब होगा जब एक्स है ना जब एक्स हो जब कंसंट्रेशन है ना एक्स हो एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन में दिया गया हो
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलैलिटी है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन में, ठीक है? यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर, जिसने पूछा था बेटा उसका हो जाएगा, जिसने पूछा था। यस सर, हो जाएगा सर। यस सर। ओके सर, और कोई क्वेश्चन? हां पूछो सर। किसी ने चैट में लिखा है 33 और 37 अनमोल पांडे, तो बता दे बेटा, पूछ दिया करो, है ना? 37 सर, वो कह रहा है नेटवर्क नहीं आ रहा उसके। हो जाएगा सर, हो जाएगा। 37 तो मैंने भी बताया था बेटा, अभी डिस्कस किया था। 37 हो गया सर, डिस्कस सर। 49 49 अच्छा, हो गया। 41 पहले मैंने 41 पहले 41 41 सर, 41। Osmotic pressure of solution containing 2 gram dissolved protein in per 300 centimeter cube of solution in 200 mm of SG, the molecular mass of protein is. So, अब molecular mass of protein पूछ रहा है, इसी का हुआ बेटा ये क्वेश्चन। Yes sir, A आ गया सर, मेरा D आ रहा था सर। मेरा D आ रहा था सर, calculation mistake हो गई सर। मेरे भी D था, calculation mistake हो गई। तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब मतलब एमएल दिया गया, ये तो जो वॉल्यूम दिया गया 300, वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है 300 एमएल, ठीक है? और मास ऑफ प्रोटीन कितना दिया गया, एम इज इक्वल टू 2 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकाला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ प्रोटीन, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर तुम्हें मोलरिटी निकालना, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाला 2 डिवाइड बाय m, वॉल्यूम यहां पर आ गया 300 ml, वॉल्यूम को तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 पावर माइनस 3 कर दोगे यहां पर, तो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आते हैं, तुमने मोलरिटी निकाल लिया है, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 20 mm of Hg, तो जो 20 mm of Hg है, 20 mm of Hg, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ATM में, ठीक है? 760 पे डिवाइड कर देंगे, तो 7 Hg है ना, तो 20 mm Hg is equal to 20 divided by 760, हाँ बेटा बोलो। सर R को ही ले लेते हैं ना हम, 760 है, ठीक है? यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करो चाहे ऐसे करो, क्या दिक्कत है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाय 760 एटीएम हो गया, तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो जो मोल पाई इज इक्वल टू सीआरटी होगा, तो सी तुम्हारा पाई यहाँ पर आ गया 20 डिवाइड बाय 760, कंसंट्रेशन आ गया 2 डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय 0.3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय आर वैल्यू 0.0821, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया गया बेटा, 27 मतलब 300। हां, तो इसको सॉल्व कर लोगे, तो मल्टी तो मैं निकालना है, ठीक है? अब हो जाएगा सर, देख लेंगे दोबारा करके एक बार, मैं कर दूं सर, कर दीजिए आप, तो सर हो गया था ये तो। हां, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 300, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 760 mm ऑफ Hg डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 0.3, ठीक है? ये कितना जा रहा बेटा यहाँ पर, ऑप्शन ए तो मैच कर रहा बेटा, है ना? यस सर, ए ऑप्शन ए के आसपास है सर, 623 समथिंग। तो ये आ गया तुम्हारा एग्जैक्ट, वही है ए पार्ट ही तो दिखा रहा, देखो एग्जैक्ट ए पार्ट है यहाँ पर, है ना? सर, तो सर एक चीज पूछनी है। पूछो सर। पूछो सर, कुछ क्वेश्चंस में हमने बिल्कुल अप्रोक्स लेके नहीं किया, फिर भी हमारी वैल्यू एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही है, आसपास क्यों आ रही है? एग्जैक्ट आ रहा बेटा, देखो मैंने तो एग्जैक्ट ही आ गया। नहीं सर, इस क्वेश्चन में नहीं, कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि बिल्कुल हमने, क्या होता है कभी-कभी जब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू, जैसे तुमने जो कांस्टेंट यहां पर लिया है, यहां पर क्या कांस्टेंट लिया बेटा, यहां पर r, ठीक है?
तुमने यहाँ पर आ लिया 0.0821, तो अब यहाँ पर डेसिमल के 4 पॉइंट तुमने लिया है, तो अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है और मोर एक्यूरेट या फिर लेस एक्यूरेट वाले लेस, कभी कभी क्या होता है तुम्हें 0.0821 न लेकर 0.082 केवल कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 81 न करके 0.82 कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर कुछ डिफरेंट आएगा, अगर मैं आंसर यहाँ पर चेक करूँ है ना, तो ये आंसर नहीं आया कुछ दूसरा आएगा, ठीक है, देखो इतना आंसर आ गया, 0.6 यहाँ पर नहीं आया, दिख रहा है बेटा, यस सर यस ओके सर, ये कांस्टेंट का डिफरेंस है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर, यही मेरा हुआ है 43 सर, 49 43 43 सर, क्वेश्चन नंबर 43 ओके, तो 43 देखो बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन आर 43 एंड 13 एमएम ऑफ जी, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लिक्विड्स इज 38 द मोल प्रेशर ऑफ एन हेक्सेन इन द सॉल्यूशन, इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा, ये तो राउल्स लॉ है सर, ये तो मैंने कर दिया था, लेकिन सर जब मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करा ना, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो इसने मेरे को फिर बाद में एक्सेप्ट ही नहीं किया, नहीं सबमिट करते टाइम, वो दूसरा प्रॉब्लम, वो तुम्हें बात करना पड़ेगा मैडम से क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन समझो बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन आ गया सर, मेरे को इजी है वरना सर, एक्स ए का ये पी नॉट ए का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिव्यू में तो मैडम से बात कर ले, ठीक है बेटा, यस सर, सर 43 सर, ये मेरा गलत गया है, द मैक्सिमम लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्वड, अच्छा मैंने इसमें भी वही कर दिया, तो यहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा डी आएगा सर, डी आएगा, हां नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीएसटीएल 23 आएगा ना, आई की वैल्यू सही है सर, सही है तुम्हारा सर, मैंने ग्लूकोज का कर दिया ना फिर से दोबारा, वही मेरे सर तीन गलत थे, मार्क फॉर रिव्यू वाले एक्सेप्ट नहीं हुए, वरना सब सारा सही था, पूरी केमिस्ट्री सही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर 50 सर 50 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 50 सर 45 रह गया, ठीक है 45 कर दूंगा अभी, ए सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 500 ml ऑफ वाटर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर वाज फाउंड टू बी 600 mm ऑफ Sg at 15 degrees Celsius, find the molecular weight of the substance, तो अज्यूम करो बेटा molecular mass of the substance है ना, जो molar mass है कितना है बेटा m है, तो यहां पर सर इसका आंसर 500 आ रहा था मेरा सर, एक बार करके दिखा दिया मेरा भी, तो यहां पर जो molar mass देख लेते हैं बेटा, molar mass कितना तुमने अज्यूम किया, molar mass जो substance का है वो m है, ठीक है, तो सरसों इज मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम, तो मेरा तो सही आ रहा था, निकालोगे एक मिनट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मोलरिटी निकालोगे, सो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास होगा, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml मतलब 0.5, तो हो जाएगा सर 20 डिवाइड बाय m, तो 20 डिवाइड बाय m कर दोगे यहां पर, 20 डिवाइड बाय m तो जो पाई है पाई इज इक्वल टू सीआरटी कर दोगे, तो पाई को दिया गया 600 तुमने एटीएम में कन्वर्ट कर दिया 760, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर जो सी का वैल्यू तुमने निकाला है कंसंट्रेशन 40 डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर कितना आएगा बेटा 15 डिग्री ऐड कर दोगे तो उसको निकालना होगा तुम्हें, तो मोलर मास यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1197 समथिंग आ रहा था सर मेरा, तो सर आंसर ए आ रहा था, तो ए तो आंसर दिया गया है, मेरे को गलती मिल गई सर, मेरा तो सही था,
सर मार्क फॉर रिव्यू वाला एक बार मैं चेक करा लूंगा सर, मेरे सारी केमिस्ट्री सही थी, तीन क्वेश्चन गलत थे बस। मार्क फॉर रिव्यू एक्सेप्ट तो कर रहा था उस केमिस्ट्री के सारे मार्क फॉर रिव्यू में, मैंने रिपोर्ट में देखा बी बी लिखा हुआ है सब में। यहां पर आंसर आ गया 1198 तो 1198 तो आंसर हो जा गया पार्ट। सर मैंने अप्रोक्स करके 1200 कर दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उससे कितना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया यहां पर देखो ज्यादा ले लिया, इसलिए तुम्हारा गड़बड़ आ गया ना, क्योंकि यहां पे देखो जो आंसर दिया गया उसको भी देखना पड़ेगा ना, अगर क्लोजली रिलेटेड आंसर दिया गया तो दो ऑप्शन देखो वो क्लोजली रिलेटेड है यहां पर ना, 1198 यहां जो सी पार्ट है 12 है ना, यहां जो डिफरेंस है अगर देखोगे तो दो यूनिट का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो यहां पर तुम्हें एक्यूरेट करना पड़ेगा, यहां पर तुम अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते बेटा है ना, तो देखना पड़ेगा तुम्हें। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर होगा बेटा, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ देखो दो पार्टिकल्स निकलेंगे यहाँ पर, वन एक पोटेशियम आयन होगा एक नाइट्रेट आयन, यहाँ पे टोटल फोर पार्टिकल्स होगा Na3PO4 में है ना, तीन सोडियम आयन और एक फॉस्फेट आयन, फोर पार्टिकल मतलब आई का वैल्यू यहाँ पर फोर होगा, यहाँ पर आई का वैल्यू टू होगा, यहाँ पर आई का वैल्यू थ्री होगा, यहाँ पर आई का वैल्यू थ्री होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट बी में ज्यादा होगा बेटा, जो ऑप्शन बी है नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जो मोलरिटी यहाँ पे ज्यादा होगा पार्टिकल्स का, क्योंकि आई वैल्यू ज्यादा है ना यहाँ पर। जो डेल्टा टी है डेल्टा टी बी है ना, डेल्टा टी बी होता क्या है, टी बी नॉट एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीबी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो डिफरेंस है डिफरेंस आएगा, मतलब जो तुम्हारा सॉल्वेंट है सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट तुमने फिक्स कर दिया तो एलिवेशन होगा कैसे बेटा, जब टीबी बढ़ता जाए है ना, जितना ज्यादा टीबी इंक्रीज होगा उतना ज्यादा डेल्टा टीबी होगा, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टीबी, यही तो हुआ ना बेटा, अगर सेकंड टर्म कॉन्स्टेंट अगर है तुम्हारा तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टीबी। यस सर। हां अब समझ में आ गया। ओके मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता, मोल फ्रैक्शन भी है। ओके ओके यहां पर दो ऑप्शन दिया गया मोल फ्रैक्शन, वैलिड वैलिड पॉइंट, हां तो मैंने फ्रैक्शन किया था गलत हो गया, तो इसका सर दोनों सही है, बोनस ये मल्टी चॉइस है बी और डी, तो मैं यहां बोल दूंगा जिसने बी टिक किया होगा उसको भी मार्क्स मिलेगा, जिसने डी टिक किया होगा उसको भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर अब तो रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट कार्ड मिल गया तुमको और क्या सर, यस सर हाथ बताया तो था अभी 49 बताया था सर, मैं देख गया था यार। ओके 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 49
सर हो गया था अभी तो आपने किसने पूछा था बेटा मैं दोबारा पूछना अनमोल अनमोल बेटा ओके मैं कर दे रहा हूँ ठीक है कुछ प्रॉब्लम इसमें यस सर मैं लेट हो गया था नहीं इसको मैंने बताया नहीं पूरा सॉल्व नहीं किया है मैंने केवल ओरली बता दिया था ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर दिया गया वेपर प्रेशर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन आर ठीक है तो जो एन हेक्सेन है एन हेक्सेन में एन एच लिख दे रहा हूँ तो ये है 46 और जो हमारा पी नॉट होगा 46 हो गया पी नॉट ऑफ एन हेप्टेन दोनों मैं इसको ए कर दे रहा हूँ इसको बी कर दे रहा हूँ ठीक है तो P not A is equal to 46, P not B is equal to 13 mm of Sg. ठीक है? तो if vapor pressure of the solution of these two liquid is 38, तो जो P दिया गया है, P मतलब vapor pressure of solution, that is equal to 38. 38 is equal to mole fraction of A multiplied by P not A plus mole fraction of B मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ऑफ बी ये होता है बेटा ठीक है तो पी नॉट ए दिया गया है यहाँ पर पी नॉट बी भी दिया गया है यहाँ पर है ना बेटा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एन हेक्सेन मोल फ्रैक्शन ऑफ एन मतलब ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो निकल आएगा 38 इज इक्वल टू है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तुमने एक्स ए कर दिया ठीक है मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ए कितना है 46 ठीक है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है बेटा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना बेटा ये तो होता है हां इनटू पी नॉट बी तो पी नॉट बी यहां पर 13 दिया गया इसको लगा दो अब आ जाएगा ये कानून है एक्स ए निकाल लोगे यहां से ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई डाउट नहीं है ना नो सर ओके तो आगे बढ़े तुम लोगों बेटा इसको पढ़कर आया होगा है ना जो कोलिगेटिव सॉरी कोलाइड्स है सर ज्यादा नहीं पढ़ पाए टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो जितना कल पढ़ा गया उतना तो पढ़ा होगा ना बेटा अरे भी पढ़ाए हो गए ना जो लास्ट क्लास में बताया गया उतना तो कम से कम देखा होगा देखो लास्ट क्लास में क्या बताया था है ना डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज कोलाइड्स कैन बी क्लासिंग जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स था और उपस में बता दे रहा हूँ यहाँ पर ठीक है एंजाइम खत्म हुआ यहाँ पर इसके बाद है कोलाइड्स क्या होता है बताया था है ना कटिप से लिखवाया था सब्सटेंस वो सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड कोलाइड्स जो कोलाइडल वेट सॉल्यूशन होता है बेटा इसका मेन को यहाँ पर लिखा गया है कोलाइडल स्टेट में जो पार्टिकल है पार्टिकल साइज मस्ट बी इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर अगर पार्टिकल साइज इसके बीच में आ रहा है तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है और इससे कम है तो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाएगा तो सस्पेंशन तो ये तीन है बेटा तीन टाइप का पार्टिकल होता है सॉल्यूशन में ट्रू पार्टिकल का साइज छोटा होगा सस्पेंशन का साइज बड़ा होगा और इन दोनों के बीच में होता है कोलाइडल स्टेट उसके बाद है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूट होता है उसी को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोल देते हैं यहाँ पर सॉल्यूट का दूसरा टर्म नेम दिया गया डिस्पर्स्ड फेज है ना ये सिमिलर टू सॉल्यूट है dispersion medium is similar to the solvent है ना और dispersion यहाँ पर मैंने इसका definition लिखवाया था classification and example of colloidal system तो जो classification है तीन basis पर दिया गया है पहला जो classification है based on physical state of dispersion phase and dispersion medium तो इसको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं तुमने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा DPP तुम लोगों ने सॉल्व किया बेटा सरफेस केमिस्ट्री का तो अगर no. तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा ठीक आज सॉल्व कर लेना ठीक है तुम लोग रहे हो गए टेस्ट में तो आज सॉल्व कर लेना पीपीपी में डिस्पर्स पे और डिस्पर्सन मीडियम ढेर सारे क्वेश्चन दिया गया तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ठीक है तो इस टाइप से जो 8 सिस्टम दिया गया है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी यहाँ बगल में है ओके जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम तो इसके हिसाब से जो सोल्यूशन है क्लाइडल सोल्यूशन वो दो टाइप का होता है लायोफोबिक एंड लायोफिलिक लायोफोबिक वाटर हीटिंग और सॉल्वेंट हीटिंग लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट और सॉल्वेंट लविंग ठीक है तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया गया है मैंने बता दिया कि जो लायोफिलिक क्लाइड्स है उसको तुमने डिस्पर्सन मीडियम में ऐड किया जो क्लाइड्स बेटा कैसे बनेगा डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करो
जैसे तुम इसको ऐड करोगे वैसे ही क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना बहुत आसान है। अगर लायोफिलिक क्वाड्रेट उसको बनाना इजी होगा, और अगर लायोफोबिक क्वाड्रेट से उसका फॉर्मेशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा, वहां पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा तभी जाकर लायोफोबिक क्वाड्रेट बनेगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है लायोफोबिक क्वाड्रेट का सिल्वर गोल्ड एंड HCl सॉल्ट जो होगा वो लायोफोबिक क्वाड्रेट्स होता है। ये सॉल्ट के बारे में मैंने बताया, सॉल्ट क्या होता है बेटा, जो सॉल्ट है सॉलिड इन लिक्विड क्वाड्रेट्स, ठीक है। अगर सॉलिड को है ना, यहाँ जो डिस्पर्स है सॉलिड को अगर तुमने लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया तो सॉल्ट बनेगा। गोल्ड सॉल्ट, मर्ड, FeOH सॉल्ट जो होगा तो हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्ट बोलेंगे या फिर सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्ट, जो डिफरेंस है इसमें बताया है यहाँ पर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, विजिबिलिटी, माइग्रेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिवर्सिबिलिटी, ये 6 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका क्वेश्चन बनता है बेटा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आएगा तो अच्छे से इसको देख लेना, जो डिफरेंस है ना दोबारा देख लेना, बार बार देखना तो पूरा याद ना हो जाए। और ये जो डिफरेंसेस है बेटा ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए काम चलेगा, मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी दोनों का काम तुम्हारा यहीं से चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 6 पॉइंट तुम अच्छे से मेमोराइज कर लोगे। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज द क्वाड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड एट मल्टी मॉलिक्यूलर क्वाड्रेट्स। अगर स्मॉल पार्टिकल एग्रीगेट हो रहा है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल मतलब अगर तुम्हें गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो गोल्ड धीरे धीरे एग्रीगेट होकर अगर बड़ा पार्टिकल बना ले रहा है तो उसको मल्टी मॉलिक्यूलर क्वाड्रेट्स बोलेंगे, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूलर क्वाड्रेट्स क्या होगा, अगर बड़े साइज से प्रोटीन्स है, प्रोटीन क्या होता है बड़ा, उसका एक प्रोटीन का साइज अगर तुम देखोगे तो बड़ा होगा, है ना। तो प्रोटीन खुद क्वाड्रेट्स सॉल्व बना देगा, इसको एग्रीगेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका साइज ही क्वाड्रेटल साइज के इक्विवेलेंट है, 1-2000 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल्स का जो साइज होगा। तो अब इसका मतलब इसको एग्रीगेट होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर क्वाड्रेट्स। इसका एग्जांपल भी दिया गया है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब एक मॉलिक्यूल ऐड होकर बड़ा सा मॉलिक्यूल अगर बना लेता है उसको पॉलीमर बोलेंगे ना। प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया। थर्ड है एसोसिएट क्वाड्रेट्स, है ना, इसको इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, मिसेल क्या होता बताया था मैंने, क्रॉफ्ट टेम्परेचर, और इसका जो एग्जांपल है भी मैंने बताया था, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन ये भी हो गया था लास्ट क्लास में। ओके, इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ क्वाड्रेटल सॉल्यूशन। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ क्वाड्रेटल सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट क्लास में से कोई डाउट तो नहीं रहा होगा बेटा सर, कैसे बोलो सर, मैं क्वेश्चन था सेकंड ईपी में, टोर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शी वो, उसका आंसर रिवर्स ऑस्मोसिस दिया था, ऐसे क्यों बेटा? मिस, हां रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसका आंसर, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा जब डीपीपी में डिस्कस करूंगा, बाकी लोग किए नहीं है डीपीपी अभी, है ना, तो बाकी लोग भी कर लें, इसके बाद मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा डीपीपी को, ठीक है बेटा। तो आ जाते हैं यहां पर प्रिपरेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन। ओके सर, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन है कैसे तुम प्रिपेयर करोगे, पहली बात ये जानना बेटा यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन है कैसे प्रिपेयर करोगे, इसके लिए तीन मेथड केवल यहाँ पर है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। एक है केमिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड, ठीक है। तो ब्रेडिक आर्क मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और थर्ड है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन के बारे में भी कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जो केमिकल मेथड है इसके बारे में बहुत कम पूछता है, इन दोनों के बारे में सेकंड और थर्ड के बारे में ज्यादा पूछता है। तो अच्छे से देख रहे बेटा पॉइंट टू और पॉइंट थ्री, तो तीन मिनट तुम्हें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ क्वाड्रेट्स में। एक बात याद रखो बेटा, ये जो मेथड्स है ना, उस मेथड का यूज कब किस क्वाड्रेट के लिए करोगे, लायोफिलिक के लिए या फिर लायोफोबिक के लिए, कोई बताया ना बेटा? लायोफिलिक क्वाड्रेट के लिए होगा या फिर लायोफोबिक के लिए? बनाओगे तुमने यहाँ पर वाटर लिया और वाटर में तुमने पार्टिकल्स को डाल दिया तो लायोफिलिक क्वाड्रेट्स बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन होता है और ये इजीली मिक्स होकर क्वाड्रेटल सॉल्यूशन बना लेगा। लेकिन अगर बात करते हो लायोफोबिक क्वाड्रेट्स का, लायोफोबिक क्वाड्रेट्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंट्रैक्शन नहीं होता है, इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होता है, ठीक है। एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसको पास पास लाने के लिए
इसका प्राइवेट सॉल्यूशन बनाने के लिए तुम एक स्पेशल मेथड का यूज करोगे, ठीक है। और यही तीन मेथड है जिससे हम लोग लायोकबिक फ्लैट्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें पहला है बेटा केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सर लायोफिलिक बन वाटर में डिसॉल्व करने से बन जाएगा, जो सॉल्वेंट है अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर में डिसॉल्व करोगे, या कोई दूसरा सॉल्वेंट है उस दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे बन जाएगा। मेनली अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर एज्यूम करते हैं, लेकिन और भी सॉल्वेंट तुम यूज कर सकते हो, ठीक बेटा। ठीक केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो पहला है केमिकल मेथड, कोलाइडल डिस्पर्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाई डबल डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, दीज मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट लीडिंग टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें सल्फर का सॉल्ट बनाना है ना, तो यहाँ देखो सल्फर सॉल्ट कैसे बनेगा, As2OH होल साइज प्लस H2O, है ना। यहाँ पर H2O में डाले सल्फर, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा, जो H2O3 है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो आर्सेनिक साथ यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाटर अलग हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, H2S3 सॉल्व बन गया। अब देखो यहाँ पर ये बना कैसे, है ना, और ये सॉल्व क्यों नहीं बना, अब ये सॉल्व कैसे बन गया बेटा, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये क्या होगा, आर्सेनिक सल्फाइड है। तुम्हें मालूम है ऑक्सीजन और सल्फर की तरफ अगर मूव करोगे, सेम ग्रुप में दोनों है बेटा ऑक्सीजन और सल्फर, है ना। तो अगर सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, प्लीज इंक्रीज होगा, इसका मतलब जो सल्फर का साइज है ऑक्सीजन ज्यादा है, है ना। तो अब यहाँ पे अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर सल्फर आ गया तो साइज इंक्रीज होगा ना इसका, इसका मतलब जो आर्सेनिक ऑक्साइड है इसका साइज छोटा है, है ना, इसका साइज छोटा है मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। जैसे साइज का इंक्रीज हुआ ये कोलाइडल रेंज में आ गया इसका पार्टिकल साइज, तो अगर पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में तो ये क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देखो बेटा सेकेंड है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड को H2S तुमने रिएक्ट करा दिया, है ना। तो अब यहाँ पर सल्फर रिड्यूस, यहाँ देखो बेटा जो सल्फर है, सल्फर कोलाइडल सॉल्व बना रहा था, यहाँ पर तीन सल्फर, जो सल्फर बेटा सल्फर S3 S8 S4 है ना, अलग अलग साइज में सल्फर बेटा क्या होता है, अग्रीगेट होता है, इस तरह एक सल्फर दूसरे से दूसरा तीसरे से अग्रीगेट हो जाता है, ठीक है। और तुम सल्फर का मॉलिकुलर फॉर्म देखोगे तो ये क्राउन शेप में होता है सल्फर, पता है ना, सल्फर है वो S8 के फॉर्म में होता है, S8, ठीक है। तो अगर ये सल्फर बेटा तो ये S8 के फॉर्म में रहेगा, मतलब एक सल्फर दूसरे सल्फर से अग्रीगेट हो रहा है, इसका मतलब ये सॉल्व बन गया, है ना। तो ये सॉल्व बना कैसे, रिडॉक्सेशन। देखो यहाँ पे जो सल्फर है, फर्स्ट सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताया बेटा, यहाँ पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, है ना, प्लस फोर होगा, किसी ने बोला +4, सही है बेटा +4, है ना। सेकेंड वाला सल्फर बेटा, सल्फर यहाँ पे जो सेकेंड सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2, है ना। तो यहाँ पर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, सेकंड का -2 है, और दोनों क्या हुआ बेटा, दोनों एक ऑक्सीडाइज हुआ दूसरा रिड्यूस हुआ, और यहाँ क्या बन गया, सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब जो फर्स्ट सल्फर है यहाँ +4 से जीरो में जा रहा है, और जो ये वाला सल्फर बेटा ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये सल्फर -2 से ऑक्सीडाइज होगा जीरो में जा रहा है ना, एक सल्फर रिड्यूस हो रहा है दूसरा सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक बेटा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जाओ बेटा, ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताऊं मैं कि नहीं तुम्हें, एक होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, अगर सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलोगे, और उसका रिवर्स क्या होता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है सेकंड वाला। थर्ड देखो बेटा, थर्ड है रिडक्शन, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी किसी का होगा, तो बेसिकली जिसका तुम सॉल्व बना रहे हो उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर
गोल्ड का सॉल्वर है तो गोल्ड यहाँ पर क्या होगा रिड्यूस होगा गोल्ड यहाँ पे तो बेटा गोल्ड का ऑक्सीजन नंबर क्या है प्लस थ्री क्लोराइड का माइनस वन होता है ना तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्लस थ्री से जीरो में आ गया मतलब गोल्ड का रिडक्शन हो रहा है ठीक बेटा गोल्ड का रिडक्शन हो रहा तो ये गोल्ड सॉल्व बन गया थर्ड में देखो बेटा यहाँ पे जो लास्ट वाला है FeCl3 और ये वाटर से रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस बना रहा था FeOH होल थ्राइस क्या बेटा तुम्हारा सॉल्व है तो FeOH होल थ्राइस है ना इसका साइज बड़ा होगा बेटा इसका जो साइज है 1-2000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो ये क्या बना देगा तुम्हारा टेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व ठीक है ये चारों में सब समझ में आ रहा होगा बेटा ये चारों एनसीईआरटी में दिया गया है तो अच्छे से याद रखो बेटा चारों एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है ये जो चार एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है याद रखना चारों एग्जांपल को ठीक है इसको नोट कर लो बेटा तुम लोग कर रहे हैं सर सर एक बार सेकंड वाला रिएक्शन बताना कि टोटल ऑक्सीडेशन कैसे है यहाँ पर बेटा ये वाला यहाँ पर देखो बेटा जो SO2 है SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 4 है सल्फर का बेटा सल्फर का प्लस 2 है फर्स्ट वाला सल्फर का जो सेकंड सल्फर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा माइनस 2 है ना जो प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट में सल्फर है बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 0 तो सल्फर प्लस 4 से 0 में जा रहा है ठीक है अगर प्लस फोर जीरो में जा रहा क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन हो रहा है ना और यहाँ देखो माइनस टू से जीरो में जा रहा है क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन ठीक है तो एक सल्फर का रिडक्शन हो रहा है दूसरे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है तो ये रिडॉक्सीडेशन हुआ ना इसलिए यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन दे रखा है ना रिडॉक्सीडेशन के लिखा है रिडॉक्स लिखना चाहिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर इसने कंसिडर किया फर्स्ट सल्फर को है ना सेकंड क्या बेटा हाँ सेकंड सल्फर को अब क्या होता है कि जो SO2 गैसेस स्टेट में H2S भी गैसेस स्टेट में है लेकिन अगर तुम सॉल्वेबिलिटी बात करो जो H2S है वो सॉल्यूशन इसका बना दिया गया होगा वहां पर है ना H2S का सॉल्यूशन लिया गया होगा और वहां पर SO2 गैस पास कर रहा है ठीक है तो जो H2S सॉल्यूशन है इसमें तुमने SO2 गैस को पास कर रहे हो तो अब जो सॉल्यूशन यहां पर होगा उसकी ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है ठीक है वैसे जो वर्ड ऑक्सीडेशन है वो इनकरेक्ट है होना चाहिए रिडॉक्सीडेशन रिडॉक्स यहां पर भी होता है रिडॉक्स यहां पर भी है ना रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन ही है लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सल्फर का अच्छा इस सल्फर को देखेंगे मतलब ओके सर सर हम इसे ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं पेपर में पेपर में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा लिखने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां पर रिडॉक्सीडेशन डबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल सर लिख लिया सर एक मिनट लिख रहे हैं जल्दी कर बेटा स्क्रीनशॉट ले लो कितना टाइम का रहेगा आगे बढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन आर प्रेडिक्ट्स और मेथड देखो यहां पे सर एसएस लेने दो एक बार एसएस स्क्रीनशॉट ले दो यस हो गया हो गया तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन आर प्रेडिक्ट्स और मेथड This process involves dispersion as well as condensation. Colloidal salt, ये salt अलग रहेगा यहाँ पर ठीक है. Colloidal salt of metals such as gold, silver, platinum. याद रखो बेटा. कहीं कोई पूछेगा जो Bredig's arc method है, किसके लिए ये useful है? तो ये useful बेटा जो metal है, metal का अगर तुम salt बना रहे हो, ठीक है? तो metal salt के लिए ये useful है ना? Metals such as gold, silver, platinum. कभी कभी आयरन भी होता है ठीक है आयरन का भी सॉल्व इस तरह कभी कभी बना लेते हैं लेकिन याद रखो बेटा जो क्वाइन एज मेटल है ठीक है या फिर जो नोबल मेटल है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम उसके लिए तुम ब्रेडिक आर्क मेथड यूज करते हो ठीक है तो अब देखो यहाँ पर बनाना जरूरी क्यों है ठीक है ये ब्रेडिक आर्क मेथड का ही यूज क्यों किया जा रहा है दूसरा मेथड का यूज क्यों नहीं कर रहा है देखो बेटा अगर तुम्हें लायोफिलिक क्लाइड्स बनाना है तो लायोफिलिक क्लाइड्स बनेगा कैसे तुमने यहाँ पर क्या डिस्पर्सन मीडियम ले लिया इस डिस्पर्सन मीडियम में तुमने क्लोराइडल पार्टिकल डाल दिया यहाँ पर गोल्ड सिल्वर जो भी है डाल दिया बन गया ठीक है तो अगर लायोफिलिक तो इजीली बन जाएगा
लेकिन जो तुम्हारा मेटल ये गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम है बेटा, ये वाटर हीटिंग है, सॉल्वेंट हीटिंग है बेटा, ठीक है रे। इससे जो सॉल्ट बनेगा वो लायोफोबिक सॉल्ट बनेगा, इजली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, है ना। अब क्या होता है कि जो गोल्ड पार्टिकल है यहाँ पर, मान लो यहाँ पे जो तुमने मेटल लिया है वो गोल्ड मेटल है AU, ठीक है, तो अब इसको कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करोगे बेटा यहाँ पर, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, जिस मेटल का तुम्हें कोलाइडल सेक्शन बनाना है बेटा उसी का आर्क लोगे यहाँ पर, कैथोड या एनोड बनाओगे, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है बेटा प्लस माइनस इलेक्ट्रोड, ये उस मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए बेटा जिसका तुम्हें सॉल्व बनाना है, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना, कि जो प्रेडिक्ट आर्क मेथड है उसमें आर्क किसका होना चाहिए, तो आर्क उस सब्सटेंस होना चाहिए बेटा जिसका तुम सॉल्व बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हें गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो ये जो आर्क है वो गोल्ड का होना चाहिए, ठीक है। जब तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्पार्किंग होगा, जब स्पार्किंग होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और जो गोल्ड है गोल्ड पर यहाँ पर स्कैटर्ड होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से निकलकर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गोल्ड पर यहाँ पर स्कैटर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन बेटा क्या है, यहाँ पर वाटर है, है ना, तो वाटर प्लस माइनस जो लगे इलेक्ट्रोड्स लगे, मतलब कि ये बैटरी से कनेक्ट है, प्लस माइनस तो बैटरी से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल। तो यहाँ पर मतलब स्पार्किंग कराना है, ठीक है, तो हाई वोल्टेज से तुम यहाँ पर स्पार्किंग करा रहे हो तो टेम्परेचर ज्यादा यहाँ पर होगा तो स्पार्किंग होगा, तो जो यहाँ पर स्पार्किंग का बेटा उससे जो पार्टिकल है वोल्ट के वो स्कैटर हो जाएंगे डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है, और इसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में होता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर जब तुमने स्पार्किंग कराया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज जाएगा तो जो गोल्ड है बेटा यहाँ पर गोल्ड है ना वो वेपराइज हो जाएगा, या फिर जो सॉल्वेंट तुमने यहाँ पे यूज किया वो वेपराइज हो जाएगा, है ना। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको आइस बाथ में डिप करिए, तो कोई आइस बाथ है ना, तो अगर तुमने यहाँ पर आइस डाल दिया तो जो आइस क्या है बेटा, आइस क्या करेगा, इसको कूल डाउन कर देगा, तो जो गोल्ड है ये यहाँ से वेपराइज नहीं हो पाएगा, सोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है जो तुमने मीडियम लिया है डिस्पर्सन मीडियम वो भी वेपराइज नहीं होगा, ठीक है बेटा, इसे तुमने यहाँ पर आइस बाथ लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गोल्ड पार्टिकल है, गोल्ड पार्टिकल अगर इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स गोल्ड के हैं, दोनों इलेक्ट्रोड, अगर तुमने दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया तो इसका भी आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कंटामिनेशन हो जाएगा, मान लो तुमने यहाँ गोल्ड लिया यहाँ पर सिल्वर ले लिया तो कंटामिनेशन हो जाएगा ना, यहाँ पर गोल्ड दोनों हो जाएगा, ठीक है। उससे बचने के जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम मेटल के होने चाहिए। सर तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक इलेक्ट्रोड से निकलेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड में चल जाएंगे वापस, मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा होता है ना कि हम कर पढ़ते हैं कि मतलब कुछ आयन जो उससे निकलते हैं, फिर देखो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज आयन है तो कट हो गया है ना, कटायन कट हो जाएगा और आयन एनोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो गोल्ड बेटा यहाँ जब स्कैटरिंग होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर गोल्ड पार्टिकल जनरेट होते हैं, यहाँ पर समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पर क्या ये गोल्ड पार्टिकल्स है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो अगर इसके पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रोड पर सेल डाउन होगा, इलेक्ट्रोड पर नहीं जाएगा ना, ठीक है, और फिर इसके बाद एग्रीगेशन होगा और गोल्ड सॉल्व बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये किसी कोई डाउट नहीं है इसमें। नो सर, आर्क कहाँ है यहाँ पे, आर्क कहाँ है, आर्क इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, आर्क मतलब यही है, ठीक है। अच्छा सर, इलेक्ट्रोड को ही बोलते हैं, तो सर स्प्रिंग जैसा क्या है, नहीं स्प्रिंग नहीं बेटा ये वायर है। अच्छा ओके 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 सर, एक मिनट ऊपर वाले पेज पे ले जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना था, ये वाला ऐसे भी सर ऊपर वाला, ये यस सर, एक मिनट सर, यस सर ले लिया, इसके शॉट पहले ले लिया करो बेटा, यहाँ पर अपने बाद में लिखने बात, ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ पर पेप्टाइजेशन नेक्स्ट है बेटा, पेप्टाइजेशन, तो ये जो वर्ड है इसका डिफरेंस तुम्हें मालूम है, पेप्टाइजेशन का मतलब होता है, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्ट बाय सेटिंग इट विद अ डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो तुम देखोगे एग्जाम में है ना, तो हर एक अल्टरनेट एग्जाम में ना तुम्हें मिल जाएगा, हर साल पूछा जाता है, या तो मेंस पूछेगा या तो एडवांस पूछेगा या फिर तुम्हारा सीबीएसई पूछेगा, कहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन। तो पेप्टाइजेशन बेटा ये क्या होता है इसको याद कर लो, यहाँ पर नोट कर लो, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे ये पेप्टाइजेशन होता क्या है,
देखो जब भी हमें सॉल्व बनाना होता है ठीक है, तो सॉल्व बनेंगे कैसे, यहाँ पर एक पार्टिकल होना चाहिए सॉल्व के लिए, और उसका जो साइज है साइज मस्ट बी इन 1-2000 नैनोमीटर ठीक है। अगर पार्टिकल साइज 1-2000 नैनोमीटर है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्व बन जाएगा ठीक है। जनरली जो प्रेसिपिटेट होता है प्रेसिपिटेट का साइज बड़ा होता है, प्रेसिपिटेट का साइज होना चाहिए 1-2000 नैनोमीटर, नहीं नहीं कोलाइडल सॉल्यूशन का ये सॉल्व मैंने लिखा है ठीक है, सॉल्व ठीक जो सॉल्व है जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए। अगर तुम बात करोगे प्रेसिपिटेट का तो प्रेसिपिटेट होता कैसे, प्रेसिपिटेट बनता कैसे बेटा, जो FeOH होल क्राइस है ना, तो ये क्या हुआ सेडिमेंट हो गया, वो सॉल्यूशन डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये बाहर निकल गया होगा सॉल्यूशन से, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ना। और जो FeOH होल क्राइस है एक पार्टिकल दूसरे से दूसरा तीसरे से तरह से कंबाइन होकर यहाँ पर अग्रीगेट हो जाएगा, मतलब इसका जो साइज है इस रेंज को क्रॉस कर जाएगा और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है, सस्पेंशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, जो yes, sir. प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट मतलब क्या हुआ सस्पेंशन, मतलब जो थर्ड कैटेगरी है मिक्सचर का उसमें आ जाएगा, इतना तो क्लियर है ना। तो ये सर एक बार दोबारा बताना सर, दोबारा बता दीजिए। हाँ, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज 1-2000 नैनोमीटर होना चाहिए ठीक है। अगर हाँ. इसका साइज बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा सस्पेंशन, समझ में आ रहा है। यस सर बताया था आपने। हाँ yes. तो अब जो प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट जो FeOH होल क्राइस है एक FeOH होल क्राइस दूसरे से दूसरा तीसरे से इस तरह से कंबाइन होकर वो सस्पेंशन बन जाता है और सेटल नीचे क्या होगा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा या फिर ऊपर तैरने लगेगा सॉल्यूशन के ऊपर, जो डिस्पर्शन मीडियम उस पर तैरने लगेगा ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो प्रेसिपिटेट है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब सस्पेंशन। Yes, sir. हाँ, तो अगर इस सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो FeOH होल क्राइस है इसको आपस में कंबाइन नहीं होने देना ठीक है। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसको कंबाइन मत होने दो, एक जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो दूसरे से दूर हो, जैसे तुमने ये क्लियर किया यहाँ पर एक फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल क्राइस दूसरे से सेपरेट हो कंबाइन ना हो पाए अगर ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा सॉल्व कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां देखो बेटा क्या हुआ कि यहां पर जो FeOH होल क्राइस है वो एक दूसरे से अलग अलग है ठीक है। देखो एक FeOH होल क्राइस यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर। अब देखो यहां पर जो FeOH होल क्राइस है वो कंबाइन होकर बड़ा हो गया था, इसका मतलब ये क्या हुआ ये सस्पेंशन है ठीक है, ये तुम्हारा सस्पेंशन है और यहाँ पर जो पार्टिकल सेपरेट हो गया सेग्रीगेट कर दिया तुमने पार्टिकल्स को, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व बन जाएगा है ना। तो ये सॉल्व बना कैसे, जब ये दूर दूर होगा तभी तो सॉल्व बनेगा है ना, दिख रहा बेटा डायग्राम में। यस सर यस सर। अब इसको दूर दूर करोगे कैसे, तो अब देखो क्या हुआ कि जो फर्स्ट FeOH होल क्राइस पार्टिकल है इसके ऊपर तुमने चार्ज को इस तरह से एडजॉर्ब करा दिया, दिख रहा चार्ज यहाँ पर प्लस 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 इस तरह से है ना। तो जो एक आयन है जो एक स्फीयर दिख रहा है बेटा इसके चारों तरफ आयंस है ना पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये बेटा दूसरा आयन है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो तुम्हें मालूम है प्लस का जो सिमिलर चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेंगे रिपेल करेगा है ना। तो अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या ये कंबाइन हो पाएगा, ये नो सर ये कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर ये कंबाइन नहीं हो पाएगा तो ये वापस फिर से क्या बन जाएगा बेटा सॉल्व बन जाएगा। सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे है दिया उस पे, हां तो अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे है ना, तो पॉजिटिव चार्ज डालने के लिए यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जो प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट में तुमने क्या ऐड किया एक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो तुम इलेक्ट्रोलाइट डालते हो ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन प्रेसिपिटेट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। देखो यहाँ तुमने क्या लिखा है, टेप्टाइसन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate into colloidal salt by shaking it with dispersion medium in presence of small amount of electrolyte. तुमने बाहर से तुमने क्या डाला small amount of electrolyte को add कर दिया है, जैसे तुमने small amount of electrolyte add करोगे वैसे ही क्या होगा इसके ऊपर plus charge आ जाएगा ठीक है।
अब ये आयंस तुमने ऐड कैसे किया, यहाँ पर HCl होल थाई से क्यों डाला? अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि यहाँ पर जो तुमने आयन डाला है ये FeOH होल थ्राइस है, दूसरा आयन क्यों नहीं डाला बेटा? तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे हुआ उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? देखो बेटा, इसके लिए एक मेथड हम लोग यूज करते हैं, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड, ठीक है? वो नीचे दिया गया है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड, इसको यहां देखो बेटा, सर आ गया। हाँ, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड, व्हेन टू आर मोर आयंस आर प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन ऑफ द क्लोराइड पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस, ठीक है? यहाँ देखो एक आयन दिया गया है AgN, यहाँ पर एक सोलूशन दिया गया AgNO3 का, तुमने एक सोलूशन लिया और उसमें AgI डाल दिया है, जब AgI डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, AgII- बन जाएगा, है ना? उसको प्रेफरेंशियल एडजस्टमेंट मेथड, उसको आगे मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुमने क्या किया कि एक प्रेसिपिटेट लिया, ये प्रेसिपिटेट क्या बेटा, FeOH होल थ्राइस, ठीक है? FeOH होल थ्राइस तुमने लिया और यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला बेटा FeCl3, ठीक है? जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया बेटा वो क्या है, FeCl3। तो अब क्या होगा, जो FeOH होल थ्राइस है ना, FeOH होल थ्राइस है, यहाँ पर जो कॉमन आयन है वो एडजॉर्ब होगा, या देखो यहाँ पर आयरन है ना, आयरन का हाइड्रोक्साइड है, तो जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट है क्या Fe3+ थ्राइस Cl- है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो समझ आ रहे बेटा? तो अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आयन क्या बेटा, Fe3+, तो कॉमन आयन इसके साथ इस तरह से एडजॉर्ब हो जाएगा, और उसको इस तरह से लिखते हैं, स्लैश लगाओगे यहाँ पर, लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बगल में Fe3+ लगा दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, FeOH होल थ्राइस पर आयरन 3+ एडजॉर्ब हो गया है, ठीक है? इतना समझ आ रहा है? अगर मान लो तुमने सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट बनाया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl है, तो अब यहां पर तुमने डाल दिया KCl, तो अब AgCl क्या है, PPT, तुम्हें मालूम बेटा जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट होता है, वो डिजॉल्व होता है ना, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब इसको तुम्हें अलग अलग करना है, इसको तुम्हें क्लोराइडल पार्टी बनाना, अलग अलग करना है, ठीक है? तो क्या करोगे, यहाँ तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया KCl, जब KCl डालोगे तो यहाँ पर कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, अब देखोगे तुम यहाँ पर इन दोनों में, नहीं K पॉजिटिव, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, Cl- है ना, तो यहाँ पर क्या एडजॉर्ब होगा बेटा, AgCl Cl-, इसका मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो सॉल है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, सीएल माइनस, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है सर, मतलब जो कॉमन होगा उसी का चार्ज इस पे आ जाएगा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, मान लो तुमने यहाँ पर ले लिया AgCl और तुमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया Ag पॉजिटिव, है ना, ये बन जाएगा AgCl/Ag+, ठीक है? तो इसका मतलब जो तुम्हारा सॉल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सर ये स्लैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा आयंस में। नहीं, स्लैश इसलिए लगाए हैं कि इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब कि एक ही सिल्वर आयन नहीं होगा, यहाँ पर ढेर सारे सिल्वर आयन यहाँ पर एडजॉर्ब होगा, ये तुम्हारा इंटरफेस है, ठीक है? समझ आ रहा बेटा? यस, तुम्हारा ये सॉलिड हो गया, सॉलिड का ये इंटरफेस हो गया, इसके चारों तरफ क्या होगा, Ag+ इस तरह से प्लस चार्ज इस तरह से एडजॉर्ब होगा, ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा कि ये पेप्टाइसन वर्ड का मतलब क्या है, पेप्टाइसन क्या करता है बेटा, जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पेप्टाइसन में इलेक्ट्रोलाइट डालना बहुत जरूरी है, अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालोगे तो यहाँ पर सॉल्व नहीं बनेगा, और जिस इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐड करते हो उसको क्या बोलते हो, उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो इस एग्जांपल में पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है बेटा, इस एग्जांपल में FeCl3, FeCl3 है ना, और यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया था Ag
इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है? AgNO3। यहाँ पर AgNO3 पेप्टाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसके हेल्प तुम बता भी सकते हो जो सॉल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। सर हम Fe की जगह LiOH होल थ्राइस डालते तो LiO, हाँ तो यहाँ पर OH माइनस तुम्हें मालूम हो गया आपको। ओके सर, ओके सर, आगे चलते हैं बेटा। आगे है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। जब तुम कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हो तो वहां पर इम्प्योरिटी आ जाती है। जैसे मान लो तुमने FeOH होल थ्राइस का जो आयरन हाइड्रोक्साइड है इसका सॉल्व बनाया, ठीक है। जब सॉल्व बनाते तो यहाँ पर तुमने क्या ऐड किया बेटा? यहाँ पर तुमने आयरन क्लोराइड ऐड किया। आयरन क्लोराइड है क्या? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक बेटा, समझ में आ रहा है इतना? तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कभी कभी एक्सेस होता है, जितना ऐड करना उतना ऐड हो गया और कुछ इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है सोल्यूशन में, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट बच गया है वो क्या है बेटा? इम्प्योरिटी। समझ में आ रहा है बेटा? कि तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो तो यूज हुआ थोड़ा बहुत और कुछ इलेक्ट्रोलाइट बच जाएगा, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्प्योरिटी, उसी को प्योरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये तो पहले से स्मॉल अमाउंट में लिया है। हाँ, तो स्मॉल अमाउंट तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? स्मॉल अमाउंट बेटा तुम्हें मालूम नहीं है ना कि कितना यूटिलाइज होगा स्मॉल अमाउंट होगा। स्मॉल अमाउंट तुमने 1 ग्राम डाला, ठीक है, और 1 ग्राम से 0.5 ग्राम यूज हुआ, 0.5 ग्राम बच गया, तो वहां पर एग्जैक्ट इसका अमाउंट तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। स्मॉल अमाउंट तो डालना ही है, ठीक है, लेकिन कितना स्मॉल अमाउंट सर क्वेश्चन तुम्हें मालूम नहीं। सर तो ये डाइल्यूट भी ले सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड, इस पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, कंसेंट्रेट नहीं लेना, स्मॉल अमाउंट लेना। कंसेंट्रेट लोगे तो फिर से यहाँ कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पॉपुलेशन उसको बोलते हैं, वहाँ पर फिर से प्रेसिड बन जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में लेना है और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बच गया उसी को इम्प्योरिटी बोलोगे, और जो इम्प्योरिटी उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइट। जो इम्प्योरिटी है बेटा, है ना, इम्प्योरिटी तुमने एक वर्ड यूज किया क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट क्या बेटा? इम्प्योरिटी फाउंड इन कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इस इम्प्योरिटी कैसे प्योरीफाई करोगे, उसके लिए अलग अलग मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो है डायलिसिस, सेकंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस और थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 3 मेथड तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट मेथड पहले ध्यान से लेते हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लो। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू ए रिक्विजाइट मिनिमम इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब सर पूरा नहीं, उससे वो इंप्योरिटी हट सकती है बेटा, आइडियल कंडीशन में चलेंगे, है ना। अच्छा ठीक है। नंबर 1 बेटा डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। डायलिसिस होता क्या है कि अगर तुमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया है ना, ये तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या फिर एनिमल मेम्ब्रेन है, है ना, और इसी के अक्रॉस सॉल्यूट पार्टी जा रहा है, आ रहा है, क्या बोलोगे? डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड तुमने है ना मेडिकल साइंस में पढ़ा होगा, जो किडनी फेल्योर रहता है वहां पर डायलिसिस कराते हैं लोग, है ना, वही डायलिसिस यहां पर है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड तुम्हारा सॉल होता है, ठीक है, और उसमें यूरिन, यूरिन जो होता है तुम्हारा इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइट है। तो ब्लड से यूरिन को अलग करना, सेपरेट करना, वो किसका काम है? किडनी का। जब किडनी फेल होता है तो यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम लोग डायलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस का जो यहाँ पर इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पर जो बॉटल दिख रहा है ये बॉटल तुम्हारा है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तुम्हारा है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर जो है बेटा वो क्या है? इसके अंदर तुम्हारा है इम्प्योर सॉल, ठीक है, सॉल, ठीक बेटा। इसके अंदर तुमने इम्प्योर सॉल डाल दिया, और इम्प्योर सॉल में क्या है बेटा? क्रिस्टलाइट भी है। यहाँ जो लिखा है क्रिस्टलाइट, वो क्रिस्टलाइट भी है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तुमने इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में क्या डाला? सॉल प्लस क्रिस्टलाइट। अब इसको स्ट्रीम ऑफ वाटर से पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से तुम वाटर इनलेट डाल रहे हो और इस साइड से वाटर को निकाल रहे हो, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, जो स्मॉलर पार्टिकल अपने साथ निकाल लेगा, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। जो वाटर है वो सॉल्वेंट है,
जो सॉल्वेंट का साइज है स्मॉल होता है बेटा, वो एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ से वाटर क्या होगा, यहाँ पर जाएगा डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जाएगा, और डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में जो रिमेनिंग क्रिस्टलाइट है क्रिस्टलाइट को लेकर इस साइड से निकल जाएगा। तो वन बाय वन तुम यहाँ से वाटर डालते जाओगे और यहाँ से जो क्रिस्टलाइट है निकलता चला जाएगा और तुम्हारा सोल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो जो तुम्हारा सर ये जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होगी ये सेमी परमीएबल होगी बेटा? जो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है वो अलग होता है, एक एनिमल मेम्ब्रेन तो अलग। एनिमल में तुमने सेल मेम्ब्रेन देखा बेटा? अगर तुमने क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ा होगा तो वहां पे होता है सेल मेम्ब्रेन। यस होता है ना, अलग अलग लेयर होता है वहां पर। तो ये एनिमल में कुछ उसी टाइप का होता है, और जो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन वो दूसरा होता है। वहां जो पोर साइज है वो अलग होता है, इसका जो पोर साइज है पूरा खेल यहाँ पर पोर साइज का है। ठीक है, जो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है उसका पोर साइज और छोटा होता है, जो एनिमल मेम्ब्रेन का पोर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो फिल्टर पेपर उसका पोर साइज और ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो सर मतलब जो क्रिस्टलॉइड होगा उसका साइज छोटा होगा ना? हां, क्रिस्टलॉइड का साइज छोटा है तो यहां से क्रॉस करके निकल जाएगा। पर क्रिस्टलॉइड भी सॉल्वेंट की तरह ही होगा? नहीं, वो तुमने HCl यहां पर तुमने KCl डाला ना, KCl तो KCl है क्या, K+Cl-? यस है ना, जो K+Cl- से सॉल्वेंट से बाहर निकल जाएगा, ये तो तुम्हारा क्रिस्टलाइट है। अच्छा, ओके, क्रिस्टल फॉर्मिंग एजेंट है ना, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है जो क्रिस्टल बना रहा है, वो क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइट है। जो इंप्योरिटी तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैटायन और एनायन होगा, तो कैटायन और एनायन को यहां से निकाल ले जाएगा, जो रिमेनिंग कैटायन एनायन है बस उसी को निकालेगा। ठीक बेटा? ओके सर, आगे चले। यस सर। अब यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है इलेक्ट्रोडायलिसिस, है ना, ये डायलिसिस तो है यहाँ पर, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लगा दिया इलेक्ट्रोडायलिसिस। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, द ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस इन द क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस इज देन नेम्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब यहाँ बेटा क्रिस्टलाइट है, क्रिस्टलाइट मतलब प्लस चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा, है ना। अब तुमने यहाँ पर एनोड और कैथोड लगा दिया, ठीक है, जो कटायन कहाँ चला जाएगा, माइग्रेट करेगा बेटा, कटायन माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ, और जो अनायन है अनायन यहाँ पर एनोड की तरफ माइग्रेट, देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो निगेटिव चार्ज एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव क्रिस्टलाइट है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, जितने भी यहाँ प्लस और माइनस है वो यहाँ से निकल जाएगा, और जो तुम्हारा शॉल है वो प्योर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस इसको कैटलाइज करने के लिए, थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड में लगा दिया। तो है क्या, ये बेसिकली ये डायलिसिस ही है, बस तुमने यहाँ पर एनोड और कैथोड लगा दिया है। ठीक है, इसका एसएस ले लो। सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल पार्टिकल पर फर्क नहीं पड़ेगा? अगर बहुत ज्यादा कर दोगे तो पड़ेगा, उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से वो होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको भी इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज से वो अलग अलग होते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, जो यहाँ पर मोबाइल आयन है, मतलब जो बच गया, जो रिमेनिंग प्लस और माइनस है ना, उसी तुम यहाँ पर प्योर कर रहे हो। ठीक है, पूरे के पूरे जो उसे तुमने सॉल्व यहाँ पे चारों तरफ यहाँ प्लस 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 है, इसको तुम्हें नहीं निकालना है। ठीक है, अगर तुमने इसको अलग कर दिया तो क्या होगा, जो तुम्हारा तो सर इफेक्ट तो इस पे ही पड़ना चाहिए ना। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर थोड़ा सा ही तुमने निकाला, जो तुम्हारा रिमेनिंग प्लस माइनस है ना, जो बच गया है, जो सर उसमें तैर रहा है, उसी तुम निकाल रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? सर एक बार वापस समझा दो, समझ नहीं आया सर। देखो बेटा यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तुम्हें जो तुमने यहाँ पर KCl को ऐड किया, KCl KCl क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, इस KCl को अलग करना है। लेकिन याद रहे बेटा, जैसे तुमने यहाँ पर HCl डाला है, HCl Cl- है ना, तुम्हारा ये सॉल है सिल्वर सॉल यहाँ पर है, सिल्वर क्लोराइड सॉल, तो जो Cl- यहाँ पर HCl के साथ उसको अलग नहीं करना है, जो सॉल्वेंट में जो सोल्यूशन में K+ है उसको अलग करना है। समझ में आ रहा है बेटा इतना बात? यहाँ पर जो रिमेनिंग K+ Cl- है उसको अलग करना। मान लो तुमने HCl सॉल्व बनाया तो Cl- तो एडजॉर्ब हो गया, लेकिन जो K+ है, जो पोटेशियम आयन है, वो तो तैर रहा है सोल्यूशन में ना, यहाँ सोल्यूशन में होगा ये एक्सेस में, इसको तो तुम्हें नहीं चाहिए, इसको निकालना अलग करना है। इसको तुम कैसे निकालोगे, क्योंकि इसके पास चार्ज बेटा प्लस चार्ज है, इसको अलग करने के तुम क्या करोगे,
यहाँ तुमने एनोड और कैथोड लगा दिया, तो जो प्लस और माइनस है वो क्या करेगा, जो अपोजिट चार्ज को अलग कर देगा, यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइट है वो अलग हो जाएगा, जो HeCl है, जो KCl है, KCl अलग हो जाएगा। याद रखो बेटा, यहाँ पे जो Cl- है, Cl- को अलग नहीं करना है, है ना। जो एक्सेस Cl- है, एक्सेस, ठीक है, जो एक्सेस KCl है उसको अलग करना है। पेपराइजर में तुमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इसका पार्ट ऐड हुआ और कुछ पार्ट क्या हुआ, बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ से डिस्कार्ड करना है सोल्यूशन में से। सर तो रिमेनिंग पार्ट तो क्रिस्टल की फॉर्म, मतलब वो केसीएल की फॉर्म में होगा ना? नहीं, क्या अगर तुमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला तो क्या वो केसीएल के फॉर्म में रहेगा? जैसे तुमने NaCl को लिया हो, अच्छा, हाँ, वाटर में डाल दिया तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा? नहीं ना, वो NaCl- के फॉर्म में रहेगा, NaCl- फॉर्म ही अलग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है आगे चले सर, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, मतलब जो हमें नहीं चाहिए होता वही, मतलब जो जिस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ही होता है वो। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड इफ द डिसॉल्वड सब्सटेंस इन द इंप्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब प्लस और माइनस उसी को निकाल लेगा ये, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पर स्लाइड के बारे में लिखा हुआ है, सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन कुड पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट। फिल्टर पेपर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या था बेटा, ये एनिमल मेम्ब्रेन था, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन था, अब उस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन को तुमने फिल्टर पेपर से रिप्लेस कर दिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस process of separation of powder particle from the solvent and soluble solute present in the powder solution by specially prepared filters. यहाँ तुमने एक special filter से इसको separate किया है, ठीक है। और यहाँ तुम pressure लगा रहे हो, pressure apply करोगे तो जो तुम्हारा crystallite है इस pore से बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। तो समझ आ रहा बेटा? Yes sir. बस यहाँ पर जो membrane है, membrane को तुमने replace कर दिया special filter से। सर उससे क्या होगा? तो एनिमल मेम्ब्रेन तुमको नहीं मिल रहा है, मतलब उस साइज का एनिमल मेम्ब्रेन नहीं है। मान लो जो तुम्हारा कोलाइडल सॉल है, ठीक है, कोलाइडल सॉल का जो साइज है वो 100 नैनोमीटर है, ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल नैनोमीटर है। और जो तुम्हारा एनिमल मेम्ब्रेन है उसका साइज कितना है बेटा? उसका साइज है 150 नैनोमीटर। इसका मतलब जो तुम्हारा सॉल यहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस हो जाएगा एनिमल मेम्ब्रेन से, इसके लिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉलर साइज का एक फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर स्पेशल फिल्टर, इसका जो साइज है इसके अप्रोक्सीमेट हो, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मेम्ब्रेन लगाते हैं। या फिर अगर तुम्हारे पास एनिमल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, जो एनिमल मेम्ब्रेन है कॉस्टली है या फिर नहीं तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं। सर ये UF मेम्ब्रेन मतलब अल्ट्राफिकेशन मेम्ब्रेन? हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और सर ये प्रेशर क्यों लगा रहे हैं? इसको एक्सेलरेट करने बेटा, अगर तुमने प्रेशर नहीं लगाया तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल स्लोली स्लोली यहाँ से डिफ्यूज होगा, है ना, जैसे तो इसको अगर तुमने यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दिया तो जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिस्पर्शन मीडियम है कम हो जाएगा, फिर बाहर से तुम डिस्पर्शन मीडियम को ऐड कर दो, फिर से वापस सॉल्यूशन बना लो, ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना? ओके सर। सर ये पार्टिकल्स किसके हैं इसमें? सर तो लेफ्ट वाली जगह में वो मिल जाएगा, मतलब जो हमें चाहिए वो फिल्ट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी तो आसान है सर, तो ये ऊपर वाले में जब हम उसको अलग करेंगे, ये जब अलग करेंगे तो हमारा जो नहीं नीचे यही वाले में, तो सर जब हमें ये जो इम्प्योरिटी है क्रिस्टलॉइड, ये जब हम बाहर निकाल, ये बाहर कैसे निकालेंगे? या तो फिर हमारा कोलाइड का ये तो तुम्हारा अलग है ना, ये दो अलग अलग चेम्बर हो गया है ना, इसको निकाल कर फेंक दिया तुमने,
तो सर क्लोराइड सॉल्यूशन का वो भी तो अमाउंट भी कम हो जाएगा। हां तो बोल रहा बेटा यहां पे क्लोराइड सॉल्यूशन है, तुमने यहां पे डिस्पर्शन मीडियम बोला, तो मीडियम है क्या यहां पर? मीडियम वाटर ही तो होता है ना, वाटर सॉल्वेंट। वाटर तुमने और ऐड कर दिया यहां पर, भर दिया उसको, है ना? ठीक आगे आ जाओ बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइडल सिस्टम, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो क्लोराइडल सॉल्यूशन है तुमने सेम कंसंट्रेशन लिया है ना, क्रिस्टलाइट का या फिर HCl का लिया और तुमने AgCl Cl- का लिया है ना, तो अब साइज का बड़ा होगा। साइज देखोगे तुम HCl से ना ज्यादा होता है बेटा साइज क्लोराइड पार्टिकल का, और जो AgCl है ना AgCl का साइज छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये Ag+ और Cl- के फॉर्म में रहेगा ये। अब यहाँ देखोगे जो HCl Cl में जो तीन पार्टिकल होना चाहिए वो केवल एक पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा। यहाँ देखो जो HCl है AgCl, इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा Cl- होगा, यहाँ पर माइनस 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 होगा हर तरफ, है ना? मतलब एक Cl क्या होगा, ढेर सारे Cl- को कंबाइन करके एक एग्रीगेटेड फॉर्म में रहता है सॉल्वेंट। लेकिन अगर तुमने AgNO3 ले लिया या फिर कोई Cl- ले लिया, कोई दूसरा तुमने सब्सटेंस ले लिया, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, है ना? Ag+ F- के फॉर्म में रहेगा। मान लो तुमने यहाँ पर AgF लिया, तो Ag+ F- के फॉर्म में रहेगा, अलग अलग रहेगा बेटा यहाँ पर। तो जो I वैल्यू है, I वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर जो I वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन 1 होगा। समझ आ रहा है बेटा I का वैल्यू? अगर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का वैल्यू हमेशा 1 ज्यादा होगा, और अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा है तो वहां पर I का वैल्यू कम होगा। अगर I का वैल्यू ज्यादा है तो कोलाइडल सिस्टम, यहाँ देखो बेटा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका वैल्यू ज्यादा होगा, है ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब ज्यादा होगा। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्लोराइडल पार्टिकल बींग बिगर एग्रीगेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सोल्यूशन इज कंपेरेटिवली स्मॉल एज कम्पेयर टू ए ट्रू सोल्यूशन, हेंस द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और स्मॉल, याद रखो यहाँ पर स्मॉल होगा, यहाँ पर स्मॉल ऑर्डर एज कम्पेयर टू द वैल्यू शोन बाय द ट्रू सोल्यूशन एट द सेम कंसर्न। इसको नोट कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है? कोई डाउट बेटा यहाँ पर? आशुतोष कोई डाउट? नो सर, नो। ओके तो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट सर। गुड बेटा बोलो सर, वो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बोल दीजिएगा। तुम बोल लो बेटा, बोल दो, ठीक है? वहां पर मुझे देखना पड़ेगा ना, मैं बोल दो, तुम अगर नहीं होता फिर मैं बोल दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके।